आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये सफ़र यहाँ सरदार शहर से नागौर तक का होने वाला है और नागौर तक दो तीन बसें चेंज करते हुए नागौर पहुँचेंगे। ये सरदार शहर का बस स्टैंड है और ये हमारी आज की बस जो हमें यहाँ से लाडनू तक या फिर सुजानगढ़ तक इसमें जाने वाले हैं। वैसे ये लाडनू तक जाएगी लेकिन सुजानगढ़ से नागौर की देखेंगे दूसरी बस। और ये यहाँ बस स्टैंड सरदार शहर का और ये भाई यहाँ पर ईयरफोन वगैरह बेच रहे हैं। ये बस स्टैंड बैठने के लिए मुसाफिरों का यहाँ पर अभी बनाया गया है, ये नया है और ये सब बसें यहाँ पर हैं। आइए सफ़र शुरू करते हैं। ये सरदार शहर का बस स्टैंड जिसे काफ़ी बड़ा बना दिया गया अभी, कचना बस स्टैंड नगर पालिका, और पहले ये कच्चा होता था, अभी इसको पक्का करके और चारों तरफ दुकानें, काफ़ी बड़ा बस स्टैंड ये यहाँ पर है। अभी हमारी बस सरदार शहर से चल पड़ी है और सुजानगढ़ तक हम इस बस में जाने वाले हैं और सुजानगढ़ से हमें दूसरी बस जो आगे नागौर तक जाएगी उसमें जाएंगे। तो दो बस में ये आज का सफ़र पूरा हमारा होने वाला है। और अभी हम सरदार शहर का बाहर का चौक है उसको हमने क्रॉस कर दिया है। बने रहे पूरे वीडियो में। और अभी हम रतनगढ़ पहुंच गए हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से भी चलेंगे। ये बस स्टैंड के बाहर के लिए रोडवेज नहीं है, प्राइवेट है, तो बस स्टैंड के बाहर ये खड़ी है और ये हमारी बस। अभी हमारी बस 15-20 मिनट के स्टॉप के बाद रतनगढ़ से हमारी बस अभी चालू हो गई है और ये रतनगढ़ के बस स्टैंड के बाहर का रोड, नया रोड अभी बना दिया है। जो पहले काम चल रहा था, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ काम चल रहा था, अभी इस रोड को अच्छा बना दिया है। तो इस रोड पे अभी हम सामने हाईवे हमें मिलेगा जो गंगानगर वाला है, उस हाईवे के ऊपर हम चढ़ जाएंगे और ये यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा है इसी रोड पे। तो इस तरह से ये पूरा सफ़र जो है हमारा होने वाला है। अभी हम रतनगढ़ के चौक पे आ गए हैं जिस चौक से चार रास्ते निकलते हैं। एक सरदार शहर की तरफ जाता है, एक सुजानगढ़ की तरफ जाता है, एक सीधा बीकानेर को निकलता है और एक जयपुर की तरफ जाता है। तो अभी सुजानगढ़ वाले रास्ते में हमें आगे बढ़ना है और सामने की तरफ देखेंगे तो सामने बीकानेर का रोड है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है जो बस खड़ी है, ये बीकानेर का रोड है और ये हमारा सुजानगढ़ का रोड, इस पर हमें आगे बढ़ना है अभी। Thank you.
रेलवे क्रॉसिंग जो बीच में रास्ते में आता है रेलवे क्रॉसिंग, उसे हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। यहाँ पर सुजानगढ़ का एंट्री गेट, काफ़ी बड़ा एक गेट बना रखा है जिससे हम एंटर करते हैं सुजानगढ़ के अंदर। और आगे अभी हमें सुजानगढ़ बस स्टैंड से दूसरी बस मिलने वाली है। और ये हमारी दूसरी बस हमें सुजानगढ़ से मिली है। सुजानगढ़ वो गाड़ी पहुंची और ये चल पड़ी, तो वहाँ की क्लिप नहीं बना पाए हम। और ये अभी हम सुजानगढ़ से ही निकल रहे हैं। ये यहाँ का अच्छा शनिदेव मंदिर और ये रेलवे लाइन और ये हमारी गाड़ी जो हमें यहाँ पर नागौर तक या फिर कहाँ तक लेके जाती है देखते हैं। और ये लाडनू का बस स्टैंड, पिछले आधे घंटे से बस यहाँ पर खड़ी है और काफ़ी भीड़ है गाड़ी में आप देखेंगे तो, और गर्मी भी काफ़ी हो रही है। आधे घंटे के स्टॉप के बाद फिर ये गाड़ी भी रवाना हो रही है यहाँ से।
जो हमें नागौर तक लेके जाएगी। आज की हमारी जो हमें नागौर तक लेके आई, सुजानगढ़ से नागौर, और सुजानगढ़ में ये बस हमें हाथों हाथ मिल गई थी। सुजानगढ़ में जैसे ही हमारी सरदारसर वाली बस पहुंची तो ये बस हमें मिल गई थी, तो हाथों हाथ वहाँ से चल पड़े। और ये अभी बस स्टैंड है नागौर का, और ये यहाँ बसें खड़ी हैं, अभी आ रही हैं, जा रही हैं प्राइवेट बसें। ये नागौर का मेन बस स्टैंड, ये एंट्री और आउट का गेट, और ये सामने की दुकानें। और अभी हमें बस ने यहाँ उतार दिया था। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।